दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश भर के संस्थानों में छात्रों का खूब हो हल्ला रहा। मांगे मनवाने को कहीं छात्र संगठनों ने मोर्चा खोला तो कहीं जेबीटी प्रशिक्षुओं ने जमकर नारे लगाए। हमीरपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय के एबीवीपी ने कुलपति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने एचपीटीयू में शिक्षकों व गैर शिक्षकों के पद शीघ्र भरने को आवाज बुलंद की। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय के कार्यों में सरकार के नौकरशाही के नुमाइंदों का हस्तक्षेप बंद किया जाए, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के साथ छेड़छाड़ बंद हो, संस्थान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाए। विश्वविद्यालय हमीरपुर, आज का जो ये हमारा धरना प्रदर्शन है, ये विश्वविद्यालय की कई समस्याएं हैं जो जिनका पिछले दो सालों से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं, जो जैसे कि कई समस्याएं, जैसे लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, एवं और भी कई समस्याएं हैं, जैसे फिजिक्स और एचएम की कोर्सेज के लिए जो लैब्स उपलब्ध नहीं है, तो उनको उन सभी यूनिवर्सिटी की डिमांड्स को लेकर आज ये जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें और भी कई डिमांड्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स के जो खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और यूनिवर्सिटी को एक बजट जो है बजट का प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाए, जिससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हमीरपुर के द्वारा आज महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल विद्यार्थी परिषद पहले भी अपनी प्रेस वार्ता में बता चुकी है कि जब तक प्रदेश सरकार और एचपीयू प्रशासन हमारी मांगों को लेकर सहज नहीं हो जाता, तब तक विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन जारी रखेगी। उसी प्रकार विद्यार्थी परिषद ने आज धरना प्रदर्शन किया। आपकी जैसे कि हमने पहले भी अपनी मांगों को लेकर, जैसे कि हमारा रिवेल्यूशन जो पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट है उसे जल्द से जल्द घोषित किया जाए। आज ये मुद्दा जो है वो एक छात्र का नहीं बल्कि उसके परिवार का, एक आम जनमानस का बन चुका है कि जो छात्र है उसका कम से कम 2 साल जो है वो ये एचपीयू प्रशासन रिवेल्यूशन के माध्यम से ख़राब कर रही है। तो हम विद्यार्थी परिषद एक और मांग कर रही है छात्र संघ चुनावों के लिए, जो 2014 से लोकतांत्रिक अधिकार जो छात्रों के हैं, पहले पूर्व सरकार ने इसका हनन किया। और वहीं सोलन में जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह रैली डाइट से शुरू होकर माल रोड होते हुए डीसी ऑफिस पहुंची, जहां डीसी के माध्यम से सीएम, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रशिक्षुओं ने जेबीटी कमीशन में एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार बीएड को शामिल न करने के साथ साथ प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता देने की मांग की। आज हम यहाँ सारे जो जेबीटी कर चुके हैं और जो जेबीटी कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं, और उनके माध्यम से हम सीएम, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल और जो एनसीटी के गवर्नर हैं उन्हें हम ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी मांग ये है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जेबीटी पदों के लिए बीएड धारकों को मान्य किया है, हम चाहते हैं कि जेबीटी पदों पर सिर्फ जेबीटी वालों को ही मान्य किया जाए, क्योंकि जो जेबीटी पाठ्यक्रम और एक बीएड का पाठ्यक्रम है उन दोनों में बहुत अंतर है। जेबीटी वाले प्राथमिक स्तर के सभी विषयों का अध्ययन करते हैं, जबकि जो बीएड वाले हैं वो उनकी मास्टर सिर्फ 2 सब्जेक्ट में होती है। तो हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि वो हाई कोर्ट में जो आने वाली 20 मार्च को उनसे जवाब मांगा गया है
वो अपना रुख स्पष्ट करे और जेबीटी वालों का पक्ष वहाँ पर रखे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी, हमारी सरकार मांग नहीं मानती है, तो हमारा अगला कदम है, हम जो है पूरे एक शिमला रैली का आयोजन किया जाएगा और जितने भी डाइट्स है, वो चाहे 12 गवर्नमेंट डाइट्स है और 29 प्राइवेट डाइट्स है, हम सभी कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा कुल्लू में भी एबीवीपी ने परीक्षा परिणाम एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणाम शीघ्र घोषित करने को लेकर धरना दिया। मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। अरे साधन सभी चुक जाएंगे, अरे साधन सभी चुक जाएंगे। पिछले वर्ष जो परीक्षा हुई थी उसमें पुनर्मूल्यांकन के लिए जिन विद्यार्थियों ने अपने पेपर भेजे थे उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जबकि आगामी परीक्षा आने वाली है। इसका भारी नुकसान करेंगे, जिसके कारण हम बड़े स्तर पर आंदोलन करके उन्हें बताएंगे कि छात्रों के साथ उठने का क्या मकसद होता है। नहीं है, अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कितने धरने प्रदर्शन भूतनाथ पुल के लिए हुए, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी अभी परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। साथ ही अनेकों समस्याएं अभी देखने को दिख रही है, सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि सड़क कम और गड्ढे ज्यादा है। छात्र चुनाव जो है हमारा एक स्टूडेंट का लोकतांत्रिक अधिकार है, जिससे हम अपनी जो मुख्य मांगे थी उनको सरकार के आगे रख सकते थे, मगर 2013 के बाद वर्तमान उस समय की वर्तमान सरकार ने छात्र संघ चुनावों को बंद किया गया था, कि उनका मानना था कि जो छात्र संघ चुनाव किए जाते हैं उससे जो है आपके कॉलेज का माहौल ख़राब होता है, इससे कि लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं कॉलेज में। और मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या MP के इलेक्शन में लड़ाई नहीं होती, क्या MLA के इलेक्शन में लड़ाई नहीं होती, फिर तो उनको भी बंद कर देना चाहिए। और परसेंटेज के हिसाब से जैसे कॉलेज में प्रेसिडेंट बनाते हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री भी, हमारे प्रधानमंत्री भी परसेंटेज के हिसाब से ही बनाने चाहिए। और जो वर्तमान सरकार है, आजकल की वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 6 महीने के अंदर अपना जो है SEA चुनाव बहाल कर देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने क्या, या 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया सरकारों में, मगर अभी तक कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं आई है। और मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अगर जो हमारे कुछ मांगे हैं इनको पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में उग्र से उग्र आंदोलन करेगी, और जिसका सारा खामियाजा प्रदेश सरकार और प्रदेश विश्वविद्यालय को भुगतना पड़ेगा। जाति परिषद ने कुल्लू महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया, और धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है, पूरे हर प्रदेश के हर कॉलेज में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे मतलब शिक्षा को लेकर है, शिक्षा की आपकी कॉलेज की मांगे है, जैसे सामाजिक कुछ मांगे है, कि वो सड़क की मांग हो, कि कॉलेज में आपके शिक्षकों के रिक्त पद जो खाली पड़े हैं, जिससे स्टूडेंटों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एग्ज़ाम सर पर है मगर शिक्षक अभी भी पूरे नहीं है, और जो हॉस्पिटल की बात है हॉस्पिटल में भी। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा, आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में। अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल ग्रूम्स मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून। भूषण ज्वेलर्स सोलन, पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का वो नाम जो आपके गहनों के साथ लेकर आता है बहुत सारे आकर्षक इनाम। भूषण ज्वेलर्स सोलन एक बार फिर से लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। भूषण ज्वेलर्स में खरीदारी पर पहला इनाम 2.5 लाख के आभूषण, जबकि दो भाग्यशाली विजेताओं को दुबई टूर पर जाने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत मिलेंगे कुल 101 इनाम, जिनमें 3 एक्टिवा स्कूटर, 5 LED टीवी 32 इंच, 5 वॉशिंग मशीन, 15 ट्रॉली बैग, 15 डिनर सेट, 15 इंडक्शन, 15 क्विल्ट सेट व 15 स्टीम प्रेस। भूषण ज्वेलर्स गुणवत्ता व बेहतरीन सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों की पहली पसंद, साथ ही ग्राहकों को हो रहा अपनेपन का एहसास। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट, स्वर्ण समृद्धि 10 सितंबर से 14 दिसंबर तक।
लाजवाब है भूषण के आभूषण। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता बताते हैं कि चाहे स्वर्ण आभूषण हो, हीरे या फिर चांदी के आभूषण, भूषण ज्वेलर्स में आकर्षक व आधुनिक डिजाइन का विस्तृत रेंज उपलब्ध है। यही कारण है कि बहुत कम समय में प्रदेश के नामी ज्वेलर्स में शुमार हो गए। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स।